क्या हाल है। नए साल का आगाज़ हो गया और मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अब तुम लोग बोलोगे यार साल चेंज हो गया, डेट डेट चेंज हो गई है, लोग तो वही है, मसले तो वही हैं। तो सर इसीलिए तो व्लॉग बना रहा हूँ। इसका नाम है मिशन न्यू ईयर न्यू मी, और इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे अपनी ज़िंदगी को आप चेंज कर सकते हैं। वीडियो सिर्फ आउटलाइन है कि कैसे अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, तो इम्प्लीमेंट आपने खुद करना है। मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया था। तो सबसे पहले मैंने जाके अपनी लुक चेंज की, क्लीन शेव हो गया। इसकी मेन रीज़न ये है कि मैं ये समझता हूँ, इफ़ यू कॉन्ट चेंज द वे यू लुक, यू कॉन्ट चेंज द वे यू थिंक, एंड इफ़ यू कॉन्ट चेंज द वे यू थिंक, यू कॉन्ट चेंज द वे यू लिव। नंबर 3 है मेक न्यू फ्रेंड्स टू ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड मोर एनर्जी इन योर लाइफ। और मैंने 15 नए दोस्त बनाए जिनके साथ अब मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ हर थर्सडे नाइट। और ये लोग भाई बहुत क्रेजी लोग हैं। इनके साथ आपको अपने टूल्स पे रहना पड़ता है उनको जवाब देने के लिए। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। अब इशारे से यूसुफ बोलेगा कि भाई बैर भाई की तरह दोस्त तो बना लिए, लेकिन पुराने दोस्तों को भूला तो नहीं जा सकता। तो एक दिन मैं बैठा स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे नज़र आया हसन इफ्तखार, मेरा स्कूल मेट। तो मैंने उसको इनवाइट किया, मैंने कहा आ जाओ KFC मिलते हैं। अब हसन इफ्तखार जिससे मैं पहले मिला करता था, वो था छोटा सा मासूम सा अरब वाला हसन इफ्तखार, आइफा अवार्ड्स, पीसा अवार्ड्स, पाकिस्तान का टॉप फोटोग्राफर बन चुका है। तो हम बैठ के काफ़ी घंटों इसी इंडस्ट्री के बारे में बातें करते रहे। अपनी सुनो, अपनी बनाओ और अपनी सुनवाओ, फिर मजा आता है काम करने। बाकी बेस्ट ऑफ लक, उस वक्त आपको भी एंजॉय करो। मिशन का 4th पार्ट है ट्राई न्यू प्लेसेस न्यू फूड। तो मैं गया घंटा घर, वहाँ से मैंने उस देसी फूड ट्राई किया एंड दैट वाज अमेजिंग। पहली दफ़ा ट्राई किया था और बहुत आला था। खाने से ना आपके जहन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामीन। ये खुशी का केमिकल है जो आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो भी आपको यही डोपामीन रिलीज़ होता है, जहन में एनर्जी प्रोवाइड करता है और पॉजिटिविटी। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। मैंने कहा नया नई जगह पर नया खाना खाने जाते हैं पुराने दोस्तों के साथ, तो मैंने कहा क्या क्रेज़ी हो जाएगा ना पॉजिटिविटी का। तो पार्ट 5 यही है कि ट्राई टू Have fun and stay positive. Oh ho, दाढ़ी रख ली। कैसा? अस्सलाम वालेकुम। अजी। कैसे हैं? बस मार। कैसे हैं? हैं? आप कैसे हो? फाइव स्टेप्स अगर आप प्रॉपरली फॉलो करें और रेगुलरली फॉलो करें और फोकस होकर ट्राई करें तो काफ़ी हद तक आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इस स्टेप्स ने मुझे तो आउटराइट चेंज कर दिया। अब मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं पॉजिटिव भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका हूँ। एंड आई एम सराउंडेड बाई बंच ऑफ गुड पीपल्स हु रियली केयर अबाउट मी। सो आई एम ग्लैड टू हैव सच नाइस पीपल अराउंड मी, अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनल ये है, ये 5 इजी स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं, इन पे चलो ज़िंदगी बदलेगी। कम से कम ना करके भी 80% चेंज हो जाएगी। थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, थोड़ी क्रिएटिविटी आएगी, नए लोगों से मिलोगे, नए आइडियाज़ आएंगे, नया एक्सपीरियंस करोगे, नया एक्सपोजर मिलेगा, नेगेटिविटी को दूर करोगे, मतलब नेगेटिव लोगों को ब्लॉक करोगे, नेगेटिव पेजेस को अनफॉलो करोगे,
मतलब नेगेटिविटी ना ज़िंदगी से निकालते चले जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दिमाग इतनी सी प्याली की तरह होता है, उसमें आप साफ पानी डालो या गंदा पानी डालो। ये मेरे नान पापा ने सिखाया था।